हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज फिर मैं हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तो चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा। जैसा कि आपको पता है, मैं आज व्रत के लिए चीला बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने 3 से 4 सिंघाड़े चम्मच सिंघाड़े का आटा लिया है। ये मैंने 3 चम्मच ले लिया है और अब मैं 1 और चम्मच ले लूँगी। ये हो गया मेरे 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा। अब मैंने यहाँ पर एक लिया है कुट्टू का आटा। आपके पास अगर कुट्टू का आटा ना हो तो आप सिंघाड़े का आटा बस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें मिलाऊँगी 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये मैंने 1 हरी मिर्च बारीक कटी थी, 1 बड़ा लाल टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया था उससे भी मैं मिक्स कर दूँगी, और यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रेश धनिया। ये धनिए को हम सबको मिला लेंगे अब अच्छे से। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे नमक। यहाँ पर मैंने नमक नॉर्मल वाला नहीं, उपासी सेंधा नमक लिया है, तो आप सेंधा नमक लीजिएगा। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी हमारी लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, और हल्का सा मैं डाल दूंगी इसमें हमारी हल्दी। लाल मिर्च पाउडर कम डालिएगा क्योंकि मैंने हरी भी यूज़ करी है। अब इसमें मैं पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, अच्छे से आपको एक पतला सा जो चीले का घोल होता है ना, आपको वैसा घोल बनाना है। ये देखिए, धीरे धीरे हम पानी डाल के इसे घोटते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। ये देखिए, ये ना तो आपको इसमें साबूदाना लगेगा ना तो आपको आलू लगना है। इसमें सिंपल सा है, बहुत जल्दी ये चीला बन जाता है, बहुत टेस्टी चीला होता है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये चीला ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने इधर एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी तेल। तेल मैंने डाला है, तेल आप चाहे तो बहुत कम भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। तेल गर्म हो गया, मैं चीला डाल दूँगी। ये देखिए, आपको डाड़ू लेकर अच्छे से चीले को फैला फैला के डालना है। ये देखिए, इसको गोल शेप आपको देना। ये देखिए, जैसे मैं दे रही हूँ, ये देखिए ये, और इसको ऑयल को फैला देना है। ऑयल आप बहुत कम भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ऑयल आपको ज़्यादा नहीं खाना तो ऑयल बहुत कम यूज़ करिएगा। अब मैंने इसे ढक दिया। 2 मिनट के बाद मैं इसे देखूंगी। ये देखिए, मेरा 2 मिनट हो गया। ये देखिए, अब मेरा एक साइड से बहुत अच्छे से चीला पक चुका है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। ये हो गया, 2 मिनट के लिए मैं एक साइड से करूंगी। ये हो गया है, अब ये दोनों साइड से चीला मेरा पक चुके हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से आप इसको दबा लीजिएगा ताकि कोई कच्चापन रह गया हो तो वो निकल जाए। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये प्लेट में। अब इसी तरह हम दूसरा चीला भी बना लेंगे। तेल मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि ऑलरेडी नॉन स्टिक में तेल है। अब ये दूसरे को भी हम सिमिलर ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं इनको बना रही हूँ, ये देखिए, इसे करके हम गोल सा अच्छा सा चीला बना लेंगे। चीला आप मोटा भी रख सकते हैं, पतला भी रख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। जैसा आपको चीला पसंद आए वैसा आप बनाइए। 2 मिनट इसे भी पकाऊंगी। ये देखिए, 2 मिनट के बाद मैं इसे पलटा दूंगी। ये मैंने पलटाया, ये देखिए कितना सुंदर कलर हो गया। अब 2 मिनट में दूसरे साइड से इसे पकाऊंगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम प्रेस कर देंगे ताकि जो कच्चापन हो वो निकल जाए। ये देखिए, ये हो चुका है मेरा चीला। इसी तरह आपको जितना बनाना है आप पूरा चीला बना लीजिएगा। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, और मैंने यहाँ पर बनाई है चटनी, और चटनी के साथ मैं अपना व्रत तोड़ूँगी। तो ये कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा कैसा बना है ये चीला।